हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग अकेडमी। मैं अनु.कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे सर्जिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी आपने पीछे की एग्ज़ाम देखी होगी, सफदरजंग की, एम्स ऋषिकेश की, एम्स दिल्ली की, और अभी भी जो वैकेंसी आएगी जिनमें लगभग 200 से क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से कम 5 या 6 तो इंस्ट्रूमेंट वो पूछता है। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पीछे भी इसका एक वीडियो बनाया था, लेकिन मेरे हिसाब से वो थोड़ा इंग्लिश वाला था, तो मैंने इस बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें इस बार डिटेल भी मांग सकते हैं। इससे ये भी पूछ सकते हैं कि इस इक्विपमेंट का फंक्शन क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है। तो मैंने इसी आधार पर ये वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे नीडल होल्डर। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए। आप कोई भी डायग्राम देखें तो उसको आसानी से पहचान सके, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखिए, जो नीडल होल्डर है ये आगे से जो इसका टिप पार्ट है वो क्या है, शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट है, और इस पर थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है, ठीक है। जो सूचर वाली नीडल होती है इसको ये आसानी से ग्रिप पकड़ सके, उसका होल्ड करने के लिए इसका यूज करते हैं। जब भी कोई भी पेशेंट है उसको स्टिच करते हैं, सूचर करते हैं, तो उस वक्त जो भी नीडल है उसको इसे होल्ड करते हैं, उसके बाद में स्टिचिंग करते हैं, ठीक है। ये क्या है, नीडल होल्डर। नेक्स्ट देखिए, प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। ये प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स है। आप इसका डायग्राम देखिए, आप हर एक इमेज को ध्यान से देखिए, ठीक है। कुछ कुछ इमेज दिखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। यह किस काम में लेते हैं, यह ब्लंट डिसेक्शन के लिए काम में लेते हैं। डिसेक्शन का मतलब अलग करने के लिए, ठीक है। यह ब्लंट डिसेक्शन में काम में लेते हैं। एक तो होता है ब्लंट और एक होता है शार्प। ये किसके काम में लेते हैं, ब्लंट डिसेक्शन में। जैसे कोई डेलिकेट स्ट्रक्चर है, डेलिकेट मतलब कोई नाजुक या मुलायम स्ट्रक्चर है, उसको होल्ड करने के लिए, जैसे ब्लड वेसल्स है, नर्व है, पेरिटोनियम एंड मसल, उनके लिए, उनको पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। किसको, प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। आप सबसे ज़्यादा ये डायग्राम है, इन पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, ठीक है। टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, पहले हमने बात की थी सिंपल या नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। इसमें क्या है, टूथ है। आप इसका टिप पार्ट देखिए, आपको वहाँ पे जो टीथ है वैसी संरचना दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कौन सी है, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। इसको कहाँ पे काम में लेते हैं, जो टूथ फोर्सेप है यह वाउंड के सराउंडिंग मसल्स एंड स्क्रीन को ग्रास्प करने और होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। ग्रास्प और होल्ड का मतलब क्या है, पकड़ना, ठीक है। आप इसकी टिप पे देख सकते हो, जैसे टीथ जैसी स्ट्रक्चर है, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, आप इससे आसानी से इसका पता कर सकते हो। नेक्स्ट है एडसन डिसेक्टिंग फोर्सेप। ये भी दो प्रकार की होती है, एडसन डिसेक्टिंग टूथ फोर्सेप और एडसन डिसेक्टिंग नॉन टूथ फोर्सेप। ऊपर वाली देखिए वो क्या थी, नॉर्मल थी, लेकिन ये कैसे आती है, नैरो आती है आगे से, ठीक है, बारीक आती है, पतली आती है, और दिखने में कैसी है, डिसेक्टिंग फोर्सेप जैसी है, लेकिन ये आगे से नैरो आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट की, जो है चिटल फोर्सेप। चिटल फोर्सेप का एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, स्टेराइल इक्विपमेंट को होल्ड करने के लिए, ठीक है। जो भी स्टेराइल इक्विपमेंट है, स्टेराइल गोज है, उसको पास करने के लिए सर्जरी के दौरान, और जो भी अगर आपने जो भी स्टेराइल गोज ड्रम देखा होगा उससे ड्रेसिंग गोज निकालने के लिए काम में लेते हैं, स्टेराइल इक्विपमेंट को पास करने के लिए काम में लेते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, ये आगे से ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये भी 2 या 3 बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। ऋषिकेश के एग्ज़ाम में पूछा गया था, एम्स दिल्ली के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। जब भी चिटल फोर्सेप है उसका यूज ना हो तो उसको मेथाइलिड स्प्रिट के कंटेनर में रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। डायग्राम को देखिए, ये कैसी है, लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। जो इसका आगे का पोर्शन है वो क्या है, लॉन्ग है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो यह मुख्यतः सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, कर्व्ड फोर्सेप आर्टरी।
पहले वाली लॉन्ग थी, स्ट्रेट थी, लेकिन ये क्या है, कर्वड है। कर्वड मतलब मुड़ा हुआ, आगे से मुड़ा हुआ, आप इसको देख सकते हो। इसका यूज किस में करते हैं, इसका यूज हीमोस्टेट में करते हैं, ठीक है, हीमोस्टेट में इसका यूज करते हैं, जैसे पेरिटोनियम और फेशिया के एज को होल्ड करने और कट करने के लिए कर्वड आर्टरी का यूज करते हैं। आप एग्जामिनर इसका मोस्टली आपको डायग्राम शो करेगा और इसका नाम पूछेगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये आगे से क्या है, कर्व्ड है, ठीक है, मुड़ी हुई है, तो आप इसे समझ सकते हो ये कौन सी आर्टरी फोर्सेप है, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स। नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंट है, अभी सफदरजंग की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी ये इसका क्वेश्चन आया था, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स, लेकिन उसमें पूछा था जो भी स्वैब है, जो भी स्पॉन्ज है उसको होल्ड करने के लिए, तो इसमें देखिए जो ये फोर्सेप है, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान इसको जो भी गोज स्क्वायर है उसको पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, जिससे जो गोज है सर्जिकल साइट पर निकलने वाले ब्लड को या जो भी फ्लूड है उसको अब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। इसको ध्यान से आप आगे से देखिए इसकी स्ट्रक्चर, कोई भी डायग्राम है आप उसको ध्यान से देखिए, उसकी स्ट्रक्चर को देखिए, आप उसको अच्छे से देखोगे तो आप जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। कई जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिखने में सेम से लगते हैं, तो आप उसमें डिफरेंस पहचानिए। इसको आगे से देखिए, ये कौन सा है, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप, इम्पोर्टेंट है। इसका दूसरा नाम है फोर्स्टर बेलेंजर स्पॉन्ज फोर्सेप। नेक्स्ट देखिए, कोचर आर्टरी फोर्सेप, कोचर आर्टरी फोर्सेप इम्पोर्टेंट है, अभी भी ये इसका भी एग्जाम ही फिलहाल ही सफदरजंग में पूछा गया था इसका क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसका यूज जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको क्लैंप करने के लिए काम में लेते हैं, बेटर ग्रिप के लिए, और जो भी वेसल्स है उसको क्लैंप करने के लिए इसको काम में लेते हैं। इसको आगे से देखिए, इसके आगे भी टीथ जैसी संरचना है, ठीक है, इसको आप इसे पहचान सकते हो, ये कौन सी है, कोचर्स आर्टरी फोर्सेप्स, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, एलिश टिश्यू फोर्सेप्स, जो एलिश टिश्यू फोर्सेप्स है इसका यूज मोस्टली डी एंड ई के दौरान सर्विक्स के जो एंटीरियर लिप है उसको पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, एलिश टिश्यू फोर्सेप्स। इसको ध्यान से देखिए तो आप इसको बहुत सारी आपको जो टिथ जैसी स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगी एलिश टिश्यू फोर्सेप्स में, जो सर्विक्स है उसके एंटीरियर लिप्स को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं, और जो भी पेरिटोनियम है, रेक्टल शीट है और वेजाइनल म्यूकस है उसके मार्जिन को होल्ड करने के लिए भी एलिश टिश्यू फोर्सेप्स को काम में लेते हैं, एलिश टिश्यू फोर्सेप्स इसका भी क्वेश्चन आता है, और इसके साथ में इसके एक जैसे दिखने वाली वल्सलम उसका भी पूछा गया एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखिए, वल्सलम, अभी दिल्ली एम्स की एग्ज़ाम हुई थी उसमें से वल्सलम के बारे में पूछा गया था, वल्सलम। इसको ध्यान से देखिए, ये आगे से थोड़ा सा कर्वड होता है, ठीक है, स्ट्रेट में थोड़ा सा कर्वड होता है, और इसका जो यूज़ है वो वेजाइनल ऑपरेशन के दौरान काम में लेते हैं, डी एंड सी में यूट्रस की मोबिलिटी को भी इवैल्यूएट करने के लिए वल्सलम का यूज़ किया जाता है। आप इस डायग्राम में इन पे फोकस बना के रखिए कि इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज़ डीएनसी में किया जाता है। ये क्या है, वल्सलम, ये इसका भी दो बार पूछा गया एग्ज़ाम में, एक बार एम्स दिल्ली और एक बार एम्स ऋषिकेश में भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप्स, बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप्स ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका टिप पार्ट देखोगे तो आपको वहाँ पे फिंगर रिंग शेप का दिखाई देगा, देखिए ध्यान से बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप को, आपको आगे की तरफ जो भी रिंग फिंगर होती है वैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जो इसका यूज है वो लेजर प्रोसीजर के दौरान डेलिकेट टिश्यू है उनको ग्राफ करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी लेप्रोटोमी होती है तो उस दौरान इसका यूज़ किया जाता है, किसका, बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेट मॉस्किटो फोर्सेप, स्ट्रेट मॉस्किटो फोर्सेप्स का यूज़ आर्टरी एंड ब्लड वेसल्स को ग्राफ्स करने के लिए काम में लेते हैं, जो भी डेलिकेट टिश्यू है उसको होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी है, स्ट्रेट मॉस्किटो फोर्सेप्स, इसको देखिए, ये आगे से नेरो और लॉन्ग है और साइज में थोड़ी छोटी है, कौन सी है, स्ट्रेट मॉस्किटो फोर्सेप्स, आर्टरी और ब्लड वेसल्स को ग्राफ्स करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंट, अभी सफदरजंग की एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन आया था, ओवम फोर्सेप, ओवम फोर्सेप है, इसका यूज़
अबॉर्शन एमटीपी ऑपरेशन के दौरान जो भी कंसेप्शन का प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं, किसको? ओवम फोर्सेप्स को, ठीक है। जो भी फर्टिलाइज ओवम है, जो भी कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने के लिए काम में लेते हैं, किसको? ओवम फोर्सेप्स को। इसको आगे से देखिए, इसमें छोटी छोटी बॉल जैसी संरचना मिलेगी आपको, जिससे जो भी कंसेप्शन का जो भी प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल सकते हैं ओवम फोर्सेप्स की सहायता से। नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे वेजाइनल स्पेकुलम। दो टाइप के होते हैं, कोस्कोफ वेजाइनल स्पेकुलम और सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम। इसका यूज जो भी वेजाइना है उसको विजुअलाइज करने के लिए काम में लेते हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए काम में लेते हैं। इसमें फर्स्ट देखिए, ये कौन सा है? कोस्को बाइवाल्व वेजाइनल स्पेकुलम, ठीक है। कोस्को बाइवाल्व वेजाइनल स्पेकुलम, ठीक है। एग्जामिनर इसका डायग्राम देगा और इसका नाम पूछेगा। और नेक्स्ट देखिए, सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम, ये डबल ब्लेडेड है, ठीक है। डबल ब्लेडेड सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम है ये। नेक्स्ट देखिए, यूटेराइन साउंड, ये भी शब्दजंग में पूछा गया था अभी। इसका यूज़ अबनॉर्मल यूटेराइन कंटेंट्स की पोजीशन को पता करने में काम में लेते हैं। जैसे कोई भी यूट्रस में ट्यूमर हो, पोलीप हो, प्लेसेंटा पीस हो या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हो, ठीक है, तो उसकी पोजीशन को नोट करने के लिए हम यूटेराइन साउंड का यूज करते हैं। आप इसके डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम आया था शब्दजंग के एग्ज़ाम में, एग्जामिनर ने इसका नाम पूछा था, तो ये कौन सा है? यूटेराइन साउंड। नेक्स्ट देखिए, यूटेराइन फ्लशिंग क्यूरेट, यूटेराइन फ्लशिंग क्यूरेट, इसका यूज हम किस में लेते हैं? डी एंड ई, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन में यूटेराइन कैविटी को फ्लश करने के लिए काम में लेते हैं। जैसा इसका नाम है यूटेराइन फ्लश क्यूरेट, वैसे ही इसका काम है यूटेराइन कैविटी को फ्लश करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सर्वाइकल डायलेटर, ये सर्वाइकल हैगार डायलेटर है, इसका यूज़ सर्वाइकल कैनाल को डायलेट करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, अलग अलग साइज के हैं ये सर्वाइकल हैगार सर्वाइकल डायलेटर। नेक्स्ट देखिए, पेल्वीमेट्री, इसका ये डायग्राम देखिए, इसका यूज़ पेल्विक्स के टाइप को पहचानने के लिए काम में लेते हैं। स्पॉन्टेनियस लेबर में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये क्या है? पेल्वीमेट्री। ये दो नेक्स्ट के जो डायग्राम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट है एपिजियोटॉमी सीसर, जैसे नाम है वैसे इसका यूज है, तो इसका यूज कब करते हैं? एपिजियोटॉमी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीसर, ये भी शब्दजंग में इसका अभी पूछा गया था, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीसर, इसका यूज अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के लिए काम में लेते हैं। ध्यान से देखिए डायग्राम को, ये क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीसर। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर मतलब जो भी स्किन है, जो भी मसल्स है उनको रिट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये कौन सा है? डोयान रिट्रैक्टर। नेक्स्ट है चॉइस नंबर पे, ये कौन सा है? डेवियर रिट्रैक्टर, ठीक है। आप इनका जो भी एग्जामिनर है इनका मोस्टली डायग्राम दिखाएगा और इनका नाम ही पूछेगा। नेक्स्ट आपके सामने चार और हैं, सिंगल हुक एंड डबल हुक रिट्रैक्टर। सिंगल हुक, इसमें एक हुक पाया जाता है, और डबल हुक में देखिए ये भी डबल हुक है, इसमें दो हुक पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वॉकमान रिट्रैक्टर, या इसको क्या बोलते हैं? कैट पा रिट्रैक्टर, वॉकमान रिट्रैक्टर, इसका दूसरा नाम क्या है? कैट पा, क्योंकि जो इसके आगे की तरफ जो हुक होते हैं वो जो बिल्ली है उसके पंजे जैसे दिखते हैं, तो ये क्या है? कैट पा रिट्रैक्टर, या इसका अदर नाम वॉकमैन रिट्रैक्टर। नेक्स्ट देखिए, मॉरिस रिट्रैक्टर, ध्यान से देखिए, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऐसे रिट्रैक्टर का डायग्राम देगा और एग्जामिनर उसका नाम पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, लैंगर बैक्स रिट्रैक्टर, इसका यूज हर्नियोप्लास्टी और थायरॉइडेक्टोमी के दौरान करते हैं। नेक्स्ट, बैकहोस टॉवल फोर्सेप्स, ये बैकहोस टॉवल फोर्सेप्स है। 30 नंबर पे देखिए, मायोटोवेल क्लिप्स, मायोटोवेल क्लिप्स, इसका भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है मायोटोवेल क्लिप्स का। नेक्स्ट देखिए, बार्ड पार्कर नाइफ हैंडल, या इसका दूसरा नाम क्या है? स्केल्पेल्स हैंडल।
ठीक है, जब भी कोई भी सर्जरी होती है तो इसके अंदर क्या लगाया जाता है, ब्लेड लगाया जाता है, उसके बाद में कट किया जाता है। तो इसका यूज़ क्या, किस नाइफ हैंडल या जो ब्लेड हैंडल या स्केलपेल्स हैंडल, ठीक है, जो ब्लेड है उसको होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। 32 पे देखिए, सर्जिकल ब्लेड्स या स्केलपेल्स, ठीक है, ये अलग अलग साइज की ब्लेड हैं। नेक्स्ट देखिए, डोयांस माउथ गैग, डोयांस माउथ गैग, इसका यूज़ जो भी कोई भी पेशेंट है उसकी ओरल हाइजीन के दौरान डोयांस माउथ गैग का उपयोग करते हैं, ENT के दौरान भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 34 पे, सूचर रिमूवल सीसर, सूचर रिमूवल सीसर का यूज़, सूचर है उसको कट करने रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। 35 देखिए, प्रोक्टोस्कोप या रेक्टोस्कोप, इसका यूज़ है वो रेक्टम को विजुलाइज करने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, पिनार्ड फिटोस्कोप इंपॉर्टेंट है, पिनार्ड फिटोस्कोप का यूज़ जो भी फिटल हेड साउंड है उसको डिटेक्ट करने के लिए, फिटस की हेड साउंड को सुनने के लिए पिनार्ड फिटोस्कोप का यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो की आपको अगर PDF भी चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, वेबसाइट खुलेगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।